मंदिर से निकलते ही माही को मॉल घूमना था, लेकिन रास्ते में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो शिवाला घूम लेते हैं। इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ पर मुझे नहीं लगता मैं एक भी बार यहाँ आई हूँ। काफ़ी बड़ी मार्केट है और हर तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं, छोटी से बड़ी। कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, बच्चों के, बड़ों के, डेली वेयर, फैंसी सब। ज्वेलरी वगैरह अच्छी मिलती है, बैंगल्स हैं, मतलब लेडीज आइटम सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ अंदर घुसते ही मुझे एक दुपट्टे की दुकान दिख गई और बस फिर काफ़ी देर मैं वहीं अटकी रही। दुपट्टे काफ़ी अच्छे थे, मैं वहीं देख रही थी। पसंद भी कर लिए हमने और देख लीजिए आप कितने खूबसूरत दुपट्टे हैं, और पसंद करके रखवाया जैसे ही हमने पैसे पूछे। और मैं अपनी पर्स खोल ही रही थी तभी सुनील आ गए, वो कार पार करने गए थे, और उन्होंने उसका जस्ट जितना उसने बताया था उसका जस्ट आधा लगा दिया। यानी यहाँ इस मार्केट में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आप कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको रिजनेबल प्राइस में सामान मिल जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हाँ थोड़ा बहुत तो फिर लगाई चलती है यहाँ पे। और क्योंकि आधे दाम लगा दिए गए थे तो वो तैयार नहीं हुए भैया देने के लिए, फिर हम लोगों ने सोचा चलो आगे देख लेते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है कहीं और कुछ पसंद आ जाता है। आगे घूमते रहे और घूमते घूमते लगा कुछ पेट पूजा हो जाती है तो उसकी खोज में पहुँच गए चाट बतासे की दुकान पे। और फिर क्या था, सोचा कि पहले चलो कुछ खा पी लिया जाता है, तो शुरू हो गए बतासे तो वैसे भी बहुत फेवरेट है हमारे, वो देख लेते हैं तो भाई वो नहीं छूटते मुझसे। बतासे खाए, चाट खाई और फिर वहाँ से निकल पड़े आगे देखने की कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था पर क्योंकि दुपट्टे पहले देख चुकी थी तो लग रहा था कि अगर कुछ दुपट्टे ले लें यहाँ से तो ज़्यादा बेटर है। और सब घूमते फिरते फिर ऐसा हुआ कि फिर वापस उसी शॉप पे आ गए। तारिक, तारिक नाम है, से हमने दुपट्टे लिए, काफ़ी अच्छे दुपट्टे थे, कुछ पैसे भी कम कराए और वहाँ से बाहर निकले। और सामने ही जेड स्क्वायर मॉल है तो माही लोग काफ़ी खुश थी। और हम लोग इस समय बहुत भूखे हैं तो हम लोग खाने के खोज में हैं, माही लोग बहुत चिट्ठी। अरे चाची झूठ ना बोलो, शिवाले में पहले बतासा खाया फिर टिक्की खाई फिर बाद में क्या क्या खाया, पानी भी पिया, टिक्की खाई लेकिन अब ज्यादा भूख लगी ना, लंच भी नहीं किया है। चलो लेट्स गो हैव टू द हैवी नाश्ता। चलो पहुँच चुके हैं यहाँ, हम लोग भी आ गए। वैसे ये समय सही है जाने वाला। क्या है यहाँ पे बताओ? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? बैठने के लिए मनपसंद जगह घूमते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादातर सीट्स फुल हैं। कहाँ चले गए ये लोग, कहाँ उस साइड लेके जाएंगे? हवा लग रही है, ये लोग कभी खुश ना रहने वाले। हवा लग रही है, कहीं हवा लग रही है, यहाँ हवा लग, कहाँ ऊपर से हवा आ रही है। हम कुछ भी नहीं लेंगे, इससे तो अच्छा हम चाउमीन खा लेते हैं। नहीं जाओ जल्दी से लेके आओ फटाफट, बहुत वेट कर करके थक चुके हैं। अरे वो मोमो से नहीं लेके क्या ले बताओ? चाउमीन ले लो, चाउमीन देखो ले आते, मैं नहीं ले आता। हमारे पेपर जो है 13 जून तक, 13 जून तक और आगे तक हमारा पहले क्या तो हम नहीं लेते हैं। ये देखो इन लोगों से अब खाया नहीं जा रहा है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, ये है। तुमने ऑर्डर कराया था, तुमने ऑर्डर कराया। अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम, बस अब घर चलो। सजेस्ट द बर्गर किंग, दैट्स व्हाई वी ऑल गेट स्टक इन।
बर्गर किंग को ना बदनाम करो। ये बर्गर बहुत गुड, शेक बहुत वेरी थिक, वेरी टेस्टी, वेरी थिक। ये भाई साहब आए घूम घाम के, पता नहीं क्या ऑर्डर करने आए हैं। अरे नहीं, ये जहाँ भी ऑर्डर करते हैं ना घंटों टाइम लगाना पड़ता है। अरे लेडीज फर्स्ट हो जाता है ना वहाँ पे, हमको लेकर चलते हैं महिलाओं को, हम उनको सम्मान देने के लिए हम आगे पहले कहते हैं कि आप पहले ऑर्डर ले लीजिए। इतना सम्मान उतनी देर से दे रहा था तो विदाउट जाम शहर के अंदर जाना ही नहीं। हम यार हमारे पेट में इतनी जगह नहीं, इतनी जरा चाचा भतीजे आपस में हंसी मजाक करते हुए रास्ता डिस्कस कर रहे हैं किधर से वापस जाना है, क्योंकि मेट्रो बन रही है जहाँ पे खुदाई बहुत ज़्यादा है, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ हाईवे का डिस्कशन चल रहा है, हाईवे हाईवे एक धुन लगा रखा है सब लोगों ने। मोहितो आ गया है, और क्या ऑर्डर किया था? नूडल्स विद शेजवान सॉस। नूडल्स विद शेजवान सॉस, अरे भैया कब आएंगे तुम्हारे? सिकंजी आयो, सच्ची मतलब ठगाई है हर जगह भैया, ये कहीं मोहितो तो लग नहीं रहा है, सिकंजी लग रही है। नमक डाल के और चीनी डाल के सिकंजी बना के दे दी, वो मजेदारी नहीं आया भैया। डूब जाए। अरे यार बहुत कम है ये भैया, ये वाव वाले ठग लिए ना, देख लो कितने बड़े डिब्बे में ठग लिए। लिए चलो वही है कि जो है सारा सब है। हाँ सही करो, सही कर लो भाई, हम आए कुछ आए कराची को तुर्की वाला करा दो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा वीडियो हमारा घूमना फिरना अच्छा लगा है, लाइक करिए सो मच।